दोस्तों ये है सॉफ्ट बूट इनलाइन स्केट और ये है हार्ड बूट इनलाइन स्केट। तो इन दोनों में से बिगनर स्केटर के लिए कौन से स्केट बेस्ट हैं, चलिए देखते हैं। तो बिगनर स्केटर को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो होता है एंकल बैंड, और अगर आपके पास सॉफ्ट बूट स्केट्स है तो आपको एंकल बैंड की प्रॉब्लम ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये कपड़े के बने हुए होते हैं और इसी कारण आपके पैर से अच्छे से अटैच नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपको एंकल बैंड का प्रॉब्लम ज्यादा रहेगा तो आपको स्केटिंग सीखने में भी ज्यादा ही टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपके पास हार्ड बूट स्केट्स हैं तो आपको एंकल बैंड की प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि ये पूरे प्लास्टिक के बने होते हैं जो कि आपके पैर में अच्छे से फिट हो जाते हैं, जिससे आपके एंकल को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है। और जब आपको एंकल बैंड की प्रॉब्लम कम होगी तो आपको स्केटिंग सीखने में भी कम टाइम लगेगा। तो स्केटिंग सीखने के लिए सॉफ्ट बूट इनलाइन स्केट इतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हार्ड बूट इनलाइन स्केट बहुत ही बेस्ट होते हैं। बस इनकी प्राइस थोड़ी ज्यादा रहती है, जो आप लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है, मुझे छोड़कर। और अगर आपको सॉफ्ट बूट इनलाइन स्केट और हार्ड बूट इनलाइन स्केट का डिटेल कंपैरिजन देखना है तो आपको इसी चैनल पर फुल वीडियो देखने को मिल जाएगा।